गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित सोफत, डॉक्टर रमा सोफत हॉस्पिटल और रुचि IVF सेंटर लुधियाना से आज सबसे ब्लॉक ट्यूब्स के बारे में बात करूंगा। आज हम डिस्कस करेंगे कि आपके यूट्रस में दो फिलोपियन ट्यूब्स होती हैं और इन दो ट्यूब्स का प्रेगनेंसी में क्या रोल है। नॉर्मली यूट्रस में दो ट्यूब्स, दो ओवरीज होती हैं। दोनों ओवरी से अंडा निकल कर यूट्रस में आता है और विजाइना से इंटरकोर्स के जरिए स्पर्म्स यूट्रस में जाते हैं। ट्यूब में पहले एग और स्पर्म मिलते हैं, इस प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं और ये फर्टिलाइज्ड एग यानी कि एम्ब्रियो फाइनली यूट्रस की वॉल में जाकर चिपक जाता है। अगर कोई भी जोड़े की प्रेगनेंसी ना हो तो उसे अपने गायनेकोलॉजिस्ट को अपनी ट्यूब्स चेक करवाने के लिए ज़रूर कहना चाहिए। ट्यूब्स को नॉर्मली HSG टेस्ट के ज़रिए टेस्ट किया जा सकता है या सोनोसल्पिंगोग्राफी के ज़रिए टेस्ट किया जा सकता है या लेटेस्ट विधि जिसको लैप्रोस्कोपी बोलते हैं उसके ज़रिए भी चेक किया जा सकता है। अगर आपके डॉक्टर ने आपको ये कह दिया कि आपकी ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं तो आप बिल्कुल वरी ना करें। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि एक ट्यूब ब्लॉक्ड है या दोनों ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं। अगर एक ट्यूब ब्लॉक्ड है तो भी कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्रेगनेंसी एक ही ट्यूब से हो सकती है। अगर दोनों ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं तो ये डेफिनेटली वरीसम है क्योंकि अंडा और स्पर्म का मिलन नहीं हो सकता और बेबी भी नहीं हो सकता। ब्लॉक ट्यूब्स यूजली इन्फेक्शन से होती हैं। हमारे कंट्री में एक TB की इन्फेक्शन रहती है जो काफ़ी ज़्यादा कॉमन है जिससे ट्यूब्स अक्सर ख़राब हो जाती हैं। अगर आपको जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस यानी कि बच्चेदानी की TB है या क्लैमिडियल इन्फेक्शंस हैं या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है या बच्चेदानी में रसौलियाँ हैं तो ये ट्यूबल ब्लॉकेज के कारण हो सकते हैं। अगर आपकी ट्यूब्स ब्लॉक्ड हो तो हमें इनका कारण ढूंढना चाहिए। अगर TB हो या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो तो इसे एंटीबायोटिक से ट्रीटमेंट कर देना चाहिए। आजकल ब्लॉक ट्यूब्स के ट्रीटमेंट में काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट हो गई है। अगर ट्यूब्स का कॉर्नोलेन ब्लॉक्ड हो यानी कि जो पार्ट ऑफ द ट्यूब यूट्रस के पास अटैच्ड होता है अगर वहाँ पर ब्लॉकेज हो तो ये हिस्टेरोस्कोपिक ट्यूबल कैनुलेशन के जरिए ब्लॉकेज को ख़त्म किया जा सकता है। जिस तरह से हम हार्ट की नसों को कैथेटर डालकर खोलते हैं उसी प्रकार से ट्यूब के डायमीटर के अंदर या ट्यूब के अंदर एक पतला नली डालकर उस ब्लॉकेज को दूर किया जा सकता है। अगर ट्यूब के फिम्ब्रियल एंड यानी कि जो हिस्सा ट्यूब का यूट्रस की अटैचमेंट से सबसे ज़्यादा दूर है वो ब्लॉक्ड हो तो इस ट्यूबल ब्लॉकेज को हम लैप्रोस्कोपिक फिम्ब्रियोप्लास्टी के ज़रिए खोल सकते हैं। लास्टली अगर ट्यूब्स काफ़ी ज़्यादा ख़राब हों या किसी और कारण से मल्टीपल ब्लॉकेजेस हो जो कि इन विधियों से ना खुल सके तो हमें IVF कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। IVF टेक्निक में हम अल्ट्रासाउंड के ज़रिए अगर आपकी ट्यूब्स में पानी है और अगर आपको IVF करवाना पड़ रहा है तो पहले इन ट्यूब्स की क्लिपिंग ज़रूर करवा लें क्योंकि ये फ्लूइड बच्चेदानी में जाता रहता है और फाइनली यूट्रस में इन्फेक्शन पैदा होता है और IVF का सक्सेस रेट भी घट जाता है। फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है। इस विधि में ट्यूब्स को दूरबीन ऑपरेशन से काट दिया जाता है। इस वजह से अंडा ओवरी से यूट्रस में नहीं पहुंच सकता और अंडा और स्पर्म का मिलन भी नहीं होता है और इस वजह से प्रेगनेंसी भी नहीं हो पाती। कई बार हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनकी ट्यूब्स फैमिली प्लानिंग के ऑपरेशन से बंद करवाई होती है और वे एक और बच्चा चाहते हैं। ऐसे जोड़े हमारे पास तभी आते हैं जब फीमेल पार्टनर में कई बार फर्स्ट मैरिज में ट्यूब्स बंद करवा ली हो और किसी कारण महिला की सेकंड मैरिज हो जाए या कई बार घर में प्रीवियस बच्चे के साथ कोई अनहोनी हो जाए तो ऐसे मरीज भी प्रेगनेंसी करवाने और ट्यूब्स खुलवाने हॉस्पिटल में अक्सर आते हैं। इस विधि से हम ट्यूब्स को एक नायलॉन स्टेंट या नायलॉन थ्रेड से कैनुलेट करके जोड़ते हैं ताकि ट्यूब के ऑपरेशन के बाद ये ट्यूब्स का जो अंदर का रास्ता है वो खुला रहे और पेशेंट प्रेग्नेंट हो सके। इस स्टेंट को ऑपरेशन के 2 महीने बाद
हिस्टेरोस्कोपी से निकाल लिया जाता है। इस टेक्निक से ट्यूब्स को खुला रखने का सक्सेस रेट काफ़ी गुना बढ़ जाता है और कपल्स के प्रेगनेंसी चांस भी 70-80% तक हो जाते हैं। अगर आप इस विषय में और जानकारी चाहते हैं तो हमें नीचे दिए नंबर्स पर कंटैक्ट करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्द ही हम आपके पास एक नेक्स्ट वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच।